सुप्रभात। आज हम सातवां पाठ पढ़ेंगे प्राचीन काले। प्राचीन काल में अभारतम अवारवृद्धम च प्रसिद्ध आशीत संस्कृत वाणी। अभारतम संपूर्ण भारत में, अवारवृद्धम बालक से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी प्रसिद्ध आसीत, संस्कृत वाणी फैली हुई थी। अनंतरम इसके बाद चिरकालम यावत उत्तरोत्तर घटमाना इयम छीड़ा जाता। अनंतरम इसके बाद चिरकालम लंबे समय तक उत्तरोत्तर घटमाना घटते हुए इयम छीड़ा जाता, यह छीड़ हो गई। अद्यत्वे आजकल पुनः इयम फिर से यह किंचित कुछ वर्धमाना दृश्यते बढ़ती हुई दिखाई देती है। पुरा कदाचित इह भारते अजस्रम प्रवहंतीम इयम संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतरणीया। पुरा पहले कदाचित कभी इह भारते इस भारत में अजस्रम निरंतर प्रवहंती प्रवाहशील इयम संस्कृत गंगा, यह संस्कृत गंगा पुनरपि फिर से लोकहिताय लोक कल्याण के लिए देवलोकात देवलोक से अवतरणीया अवतरित होनी चाहिए। इत धिया इस ऐसा विचार करके नैका अनेका अनेक भारतीय भगीरथ प्रतवंतः संति अत्यंत प्रयासरत है। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित अस्पंदनम अस्फुरणम व अवलोक्यते। तेन और तेन उससे चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में संस्कृत जगति संस्कृत जगत में किंचित कुछ अस्पंदन और अस्फुरण अवलोक्यते दिखाई देता है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो गया है। निर्माण आरंभ हो गया है। बहुकालात अनंतरम बहुत समय के पश्चात विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छोटे बालक अपि भी तत्र संस्कृतेन संस्कृत में संभाषणम कुर्वन्तः दृश्यते, संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बालानां आकर्षणाय बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत अपि माने भी एक सरल उपाय है। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन उससे संस्कृत भाषा में संस्कारों अपि अनायासम जायते, संस्कृत भाषा के प्रति का संस्कार भी अनायास ही उत्पन्न होता है। विगत कई वर्षों से नाना विधानी नवानी संस्कृत गीतानि रचितानि अनेक प्रकार के। विगत कुछ वर्षों से अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन् इस पाठ में अतीव सरलया भाषया अत्यंत सरल भाषा और सरल शैली में एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। आयन्तु पठन्तु श्रुण्वन्तु अभ्यसन्तु गायन्तु च अतीव सरलं सरसं च इदं गीतम्। अतीव सरलं सरसं तरलं च इदं गीतम्। आइए अतीव सरलम अत्यंत सरल तरल और सरस
भाषा के माध्यम से आइए पठन्तु पढ़ें, पठन करें, सुनिए श्रुण्वन्तु सुनने, अभ्यसन्तु अभ्यास करें और गीत को गायन्तु गाइए। आइए इसको पढ़िए, श्रुण्वन्तु सुनिए, अभ्यास कीजिए और गीत को गाइए। अब आगे पाठ को ये जो दिए हुए हैं गीत, इस गीत को का वाचन करते हैं और इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। लोकहितम मम करणीयम, लोक का कल्याण, हमेशा हमें लोक का कल्याण करना चाहिए। मनसा वचसा और कर्मणा, मन से वाणी से और कर्म से हमें हमेशा लोक का कल्याण करना चाहिए, यही कवि ने इस गीत में दर्शाया है। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से मन के द्वारा सततम स्मरणीयम, हमेशा स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, और वाणी से हमेशा यही बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, कि संसार का हमेशा हमारे द्वारा संसार का कल्याण करना चाहिए, मेरे द्वारा अर्थात मुझे हमेशा संसार का कल्याण करना चाहिए, यही मन में ऐसे विचार होने चाहिए और वाणी के द्वारा भी ऐसा उच्चारण करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, इस भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात आनंद को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और न ही सुखपूर्वक शयन पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, रात दिन अहो रात और दिन जागृत रह करके सचेत रहकर संसार हमेशा संसार के कल्याण के बारे में ही विचार करना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए। न अगला है लगभग न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। कभी भी दुखम न गणनीयम, कभी भी दुखों के कष्टों को न जातु दुख गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। कभी भी जातु, कभी भी दुख न गणनीयम, दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और न तो अपने सुख को ही मानना चाहिए, निज सौख्यम मननीयम अपने सुख को भी नहीं मानना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें हमें शीघ्रता करनी चाहिए। हमारा कार्य क्षेत्र क्या है? हमारा कार्य क्षेत्र है लोगों के का हित करना हमारा संकल्प है, ऐसा मन में विचार करके हमेशा लोक कल्याण के लिए के कार्यों में लगे रहना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे, दुख रूपी संसार में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, और विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, हमेशा लोक के कल्याण
के लिए का विचार मन में हो, अर्थात हमेशा हमें लोक कल्याण करना चाहिए। अगला है, गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम् लोकहितं मम करणीयम्। ये बंधुजनाः गहनारण्ये घनांधकारे गह्वरे स्थिताः, जो लोग, जो बंधु बांधव, जो लोग गहनारण्ये गहन वन में और घनघोर अंधकार में रूपी अंधकार रूपी गह्वरे गड्ढे में स्थित हैं, ऐसे लोगों को के कल्याण के लिए तत्र मया संचरणीयम् मेरे द्वारा वहां चलना चाहिए, अर्थात वहां जाकर के उन लोगों का के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। लोक हितं मम करणीयम्, हमेशा मुझे लोक का कल्याण करना है, ऐसा विचार होना चाहिए।